हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी स्पोर्ट ब्रा जिसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच ली है और लंबाई 8 इंच। अब इसे हम डबल फोल्ड में रख लेंगे और बराबर से कट कर देंगे। नीचे का पार्ट मैंने 1 इंच बड़ा रखा है, इधर से हम 1 इंच लेंगे और नीचे भी 1 इंच। सेंटर में हमने 4 इंच का टिक किया है और इसे गोलाई देके कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे अलग किया। ये हमारा गला है जो हम गला 4 इंच का बना रहे हैं, इस तरीके से इसे भी कट कर देंगे भी गले में। और ये हमारा आस्तीन साइड का है, ये बराबर से हमने कट कर दिया। अब जैसे हमने अस्तर को कट किया है उसी तरीके से फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। हमने कटिंग कर ली है, अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमने रखा और स्टिच कर दिया। ये हमें ध्यान में रखना है कि हमारा गला किस साइड है और आस्तीन की कटिंग किस साइड है। पहले हम अस्तर को स्टिच कर लेंगे। हमने डबल सिलाई कर दी है क्योंकि हमारी सिलाई अंदर को जाएगी। और अब फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। अब ये हमारा 10 इंच का है। हम एक पट्टी कट करेंगे जो हमारी 2 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी पट्टी होगी और इस तरीके से उसे स्टिच कर देंगे फ्रंट पार्ट में भी और अस्तर में भी। अब हमने जो फैब्रिक को स्टिच किया है और अस्तर को, इस तरीके से दोनों को उल्टा करके हमने रखा है और बराबर से स्टिच करेंगे। ऊपर का पार्ट है हमारा गला और आस्तीन का। इस तरीके से हम स्टिचिंग कर देंगे और नीचे साइड भी इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे। अब गले में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे हमें पलटाने में आसानी हो। अब हम इसे पलटा लिए हैं। अब हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। ये हमने नाप लिया 4 इंच है। अब 4 इंच है तो हम 1 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, 5 इंच चौड़ी। और जो हमारा बैक है कुछ भी आप ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 28, 30 और 28 जो भी हो, 5 इंच चौड़ी और 28 इंच लंबी पट्टी कट करेंगे और वैसे ही फैब्रिक। अब इसे हमने स्टिच कर दिया है बराबर से और हमने पतली सी इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से स्टिच करेंगे। इलास्टिक को हम खींचेंगे और फैब्रिक को छोड़ देंगे ताकि हमारी सिलाई इस तरीके से बराबर आए।
ऐसे हम दोनों साइड करेंगे। और इसे भी हम पलटा लेंगे इस तरीके से, पलटा लेंगे। और इसके बीच में अभी हम स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ से हम एक और लास्टिक लगा देंगे ताकि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो जाए। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की स्टिचिंग कर देंगे जो हमने तैयार किया है। अब इस तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम स्टिप लगाएंगे। फैब्रिक को हमने 2 इंच चौड़ा और 10 इंच लंबा कट करेंगे। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके बराबर से स्टिचिंग कर देंगे। जो हमने बद्दी बनाई है उसे बराबर से यहाँ टक कर देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड करना है। और ऐसे ही हम बद्दी को पीछे भी स्टिच कर देंगे टिक करके ताकि दोनों साइड बराबर आए। अब इसे हमने कंप्लीट कर लिया है जो कि इस तरीके से दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कंफर्टेबल रहती है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।